हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया तो देखिए दोस्तों आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ रेसिपी क्या लेके आई हूँ बिल्कुल अटेंडम कुछ मेहमान आ गए और घर में कोई नाश्ता नहीं था तो मैंने आज दोपहर में ये राजमा की दाल बनाई थी थोड़े राजमा मैंने निकाल लिए थे फिर चटपट से देखिए मैंने राजमा के कटलेट बनाए हैं तो मैंने सोचा बिटिया बोली कि आप इसका वीडियो भी डाल दें लोगों को शायद ना जानते हो या ना बनाते हों मैंने कहा ऐसा नहीं यूट्यूब में सभी जानते हैं लेकिन चलिए मैं, मैं अपनी बेटी के कहने से आप लोग को दिखा रही हूँ तो ये देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया ऊपर इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला गेस्ट को थोड़ा जल्दी थी बार बार आफत कर रहे थे भाभी जी थोड़ा जल्दी भाभी जी तो ये देखिए मैंने इसमें कुछ सब्जियां पड़ी थी शिमला मिर्च है गाजर है थोड़ी सी बीन्स है तो ये देखिए ये मैंने इसमें पहले लहसुन प्याज डाल के भून लिया है हल्का सा रोस्ट कर लिया है सॉरी <coughs> अभी देखिए मेरा लहसुन प्याज जीरा तीनों आइटम जो है हल्के से ब्राउन हो गए हैं इसके बाद हम इसमें डालते हैं अपनी ये जो कटी हुई सब्जियां हैं इनको भूनेंगे देखिए गाजर डाल दिया है अब देखिए दूसरे मोबाइल पे मेरा अलार्म बज रहा है दस बजे बीपी की दवा लेते हैं दोस्तों उसका अलार्म बज रहा था अभी देखिए गाजर जो है ये भी सी इसका कच्चापन इसका भी निकल गया है क्योंकि हमें इसको उबालना नहीं है और ना डायरेक्ट इसको फ्राई करना है तो ये कच्ची ना रह जाए इसलिए इसको भी हमने हल्का सा डाइरोस्ट कर लिया है थोड़ा कलर देखिए चेंज हो गया ऑरेंज से थोड़ा सा अजीब सा आ गया है ये देखिए अब बुन गया है अब इसमें हम डालते हैं दूसरे आइटम ये शिमला मिर्च है ये देखिए हम भून लेते हैं ये खाने में दोस्तों बहुत अच्छी लगती। बच्चे तो ऐसे ही चट कर जाते हैं हम तो कई बार बनाते हैं और इतना रोस्ट करना होता कि गाजर जो है वो थोड़ा सा गलने लग, गल जाए मतलब दांत के नीचे बहुत ज्यादा कच्ची कच्ची ना आए और क्रिंची क्रिंची अच्छी लगेगी लेकिन बिल्कुल क्रंची नहीं अच्छी लगती मैंने भुना जीरा डाल दिया है अब इसको भी थोड़ा सा इसी में मिक्स कर देंगे जिससे पूरे में मिक्स आ जाए और इसकी जीरा की महक बहुत अच्छी लगती है अब डालिए अमचूर पाउडर चाट मसाला अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला डाल दीजिए अब डाल दिए करी पत्ता और हरी धनिया दोनों मिक्स करी पत्ता और हरी धनिया दोनों मिक्स करके देखिए चला दिया है थोड़ा करी पत्ता मेरा बड़ा पुराना था तो थोड़ा कड़ा कड़ा था इसलिए मैंने पहले डाल दिया वरना अगर आपके मुलायम पत्ते हैं तो पहले मत डालिए बिल्कुल रेसिपी तैयार हो जाए क्योंकि करी पत्ता की खुशबू खाने में बड़ी अच्छी लगती है हमको तो बहुत पसंद है दोस्तों लेकिन हमारी पत्तियाँ कुछ पुरानी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है ये देखिए अब हमारा ये जो भरने वाला मसाला है ये तैयार है अब इधर अब हम इसकी तैयारी करेंगे अपने कटलेट की देखिए ये ये मेरा मसाला रखा हुआ है और जो राजमा मेरा उबला हुआ बचा रखा था उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है ये देखिए दोपहर में बताया नहीं मैंने राजमा की दाल बनाई थी और थोड़ा राजमा बचा रखा था तो उसको मैंने चटपट आनन फानन पीस लिया है मिक्सी में उबला हुआ राजमा उबला नहीं वो सारी दोस्तों कच्चा राजमा था ये देखिए अब इसमें सारी सब्जियां मिक्स कर लेंगे मसाले आप अपनी इच्छा अनुसार लाल मिर्च है काली मिर्च है और कोई मतलब जैसे आप चाहें इसके टमाटर भी डाल सकते हैं बीन्स भी डाल सकते हैं सारी सब्जियां डाल सकते हैं सारे जो मसाले आपको पसंद हो धनिया भी बहुत लोग पसंद करते हैं मैंने धनिया नहीं डाली है अब इसके हम छोटे छोटे से कटलेट्स बनाएंगे और उनको फ्राई करेंगे ये रेसिपी दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है और आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें कहाँ से देख रहे हैं आप ये भी बताएं मुझे लगे कि हाँ हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है कौन कौन से मेरे बच्चे कौन कौन से मेरे भाई बहन इसको देख रहे हैं और आपसे उम्मीद करूंगी कि आप मेरा प्रोत्साहन करते रहेंगे ये देखिए अब इसको मैंने देखिए बहुत अच्छा से मिक्स किया है ये अब इतने में कम से कम एक कप मेरा राजमा था कुछ नहीं तो इसमें आठ नौ कटलेट बहुत अच्छे बन जाएंगे ये देखिए मेरे कटलेट बनते चले जा रहे हैं बढ़िया से ये देखिए तो फ्रेंड्स ये राजमा के कटलेट बहुत अच्छे बनते हैं आपने बहुत सारे कटलेट बनाए होंगे मटर के बनाए होंगे आलू के बनाए होंगे मूंग के बनाए होंगे लेकिन राजमा के हो सकता है शायद आपने ना बनाए हों मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपने बिल्कुल नहीं बनाए होंगे ऐसा नहीं है कोई बहुत हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल नई रेसिपी है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं आप एक बार जरूर अगर नहीं बनाए तो एक बार जरूर ट्राई करें और फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं आपको इसकी सब्जी भी बना के दिखाऊंगी राजमा आप डायरेक्ट जैसे बच्चे आप नहीं खाते बहुत सारे बच्चे राजमा नहीं पसंद करते तो जबकि राजमा एक फायदेमंद सब्जी है लेकिन ये ना बहुत से बच्चे राजमा पसंद नहीं करते तो उनको इस तरह से बना के दिखिलाइए सब्जी भी पेट में जाएगी और राजमा भी जाएगा राजमा में बेहद बहुत कैलोरी होती है डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदा करता है राजमा की दाल भी देखिए हमने बनाया दोपहर में लेकिन हमारे बच्चे ने खाया नहीं कि नहीं खाएंगे लेकिन ये कटलेट मुझे पूरा विश्वास है कि वो खाएगा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर बनाइए अभी देखिए थोड़ा सा मेरा ये बेसन है बेसन भी मैंने राजधानी बेसन लिया है जो अच्छा बेसन होता है आप कोई भी बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं ये इसमें थोड़ा सा दो चम्मच करीब चावल का आटा डाला है चावल का आटा आपके पास नहीं तो आप सूजी को ए, मिक्सर ग्राइंडर में एक दो बार ग्राइंड कर लीजिए उसको डाल दीजिए उससे भी करारापन आ जाता है ये चावल का आटा सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि कड़ापन रहे कटलेट कुरकुरे अच्छे लगते हैं ऊपर से करारे अंदर से मुलायम तभी कटलेट अच्छे लगते हैं इसमें आप अपने मनपसंद मसाले डालिए मैंने तो थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है देखिए बिल्कुल सिंपल से बनाए हैं ये, अब ये देखिए ये हमारा कसूरी मेथी पड़ गई है और ये देखिए ये चाट मसाला पड़ गया इसको हम सारे को मिक्स करेंगे देखिए ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलेंगे और इसके साथ ही दोस्तों हम दो तीन मतलब अगर आपके पास ब्रेड टेम्प रखा है तो कोई बात नहीं वरना दो ब्रेड लेके आप मिक्सी में उसका तीन चार बार राउंड ले लीजिए तो आपका ब्रेड टेम्प्स तैयार हो जाएगा तो देखिए मैंने तीन ब्रेडें मिक्सी में चला लिया है मिक्सी जार में तो ये देखिए मेरा ब्रेड टेम्प भी तैयार हो गया है और ये देखिए मेरे कटलेट तेल में पड़ गए हैं अब खाने के लिए रेडी हैं गेस्ट भी इंतज़ार कर रहे हैं मेरी चाय और मेरे कटलेट्स का तो ये देखिए अब आप लोग भी रेडी हो जाइए बहुत करारे क्रिस्पी अंदर से मुलायम ऊपर से कुरकुरे आप जो भी बोले हमारे तरफ तो चुरचुरा ही बोला जाता है कि बहुत बहुत हैं तो ये देखिए ही क्रिस्पी और करारे कटलेट आपके बनके तैयार हो गए हैं और इसके साथ ही उधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है अपने इंडक्शन पर तो चलिए तैयार हो रहे हैं मेरे कटलेट कम से कम देखिए एक कप में दस कटलेट तैयार हो गए हैं एक कप राजमा था और चार चम्मच मैंने चावल का आटा इसमें डाला है बाकी कोई सामग्री डाली नहीं है अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं बीन्स भी डाल सकते हैं टमाटर भी डाल सकते हैं वो आपकी पसंद पर निर्भर करता है सब्जियां आप जितनी चाहे उतनी डाल लीजिए अगर हरी मटर हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है क्योंकि दोस्तों ये हरी मटर तो मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है मुझे हरी मटर बहुत पसंद है आप किसी तरह से भी खिलाएं लेकिन अब पता नहीं क्या एज के अनुसार थोड़ा हरी मटर हम नुकसान करने लग गई है और हरी मटर इस समय कास्टली भी बहुत है फ्रोजन वाली लीजिए लेकिन फ्रोजन मटर हमेशा उबाल के डालिए ये देखिए लेकिन अगर मटर डाल दो ना तो बच्चों को और ज्यादा पसंद आते हैं अब बताइए अगर मेरे राजमा उबले ना मतलब सॉरी फिर बार बार उबले बोल देते हैं क्योंकि मैंने कच्चे राजमा की रेसिपी बनाई है तो ज़्यादातर उबाल के राजमा बनता है इसलिए मुंह से उबला ही निकल जाता है दोस्तों सॉरी तो ये देखिए ये मेरे कच्चे राजमे के कटलेट आपको कैसे लगने हैं बहुत बार आपने बनाए होंगे तो ये देखिए अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ और आप अपने कमेंट भी दीजिए अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट कीजिए ख़राब लगे हों तो भी कमेंट कीजिए क्योंकि मैं फिर थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी आप जानते हैं ना आलोचना करना भी एक बढ़ावा देना ही होता है तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी करारे तैयार हैं मेरी चाय भी रेडी हो रही है ये देखिए इतना प्यारा कलर आया है ये देखिए और इस तेल को आप चाहें तो मस्टर्ड डाइल में बनाएं या जो आयल आप खाना चाहते हो तो ये देखिए मेरे करारे क्रिस्पी कटलेट राजमा कटलेट रेडी हैं अब आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइए मुंह में पानी लाने वाली रेसिपी है ये देखिए लगता है तुरंत गेस्टोस पहले खा लूँ तो चलिए फ्रेंड्स नमस्कार फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए इंतजार रह गए आपकी कमेंट का आपकी आलोचना समालोचना जो भी आप चाहें वो देना चाहें दें तो ये देखिए अब फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है दूसरा वीडियो लेकर हम जल्दी ही आएंगे तब तक के लिए नमस्कार